आकाश यादव को आरजेडी छात्र प्रदेश अध्यक्ष से पदमुक्त कर दिया गया। उसके बाद से खुलकर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच बयानबाजी निकल करके सामने आई। अब इस पूरे मामले को लेकर के जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि हम कहते थे तो मिर्ची लगती थी, अब क्या कहेंगे। आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। राजद का आंतरिक कलह, हम कहते थे प्रवासी तो मिर्ची लगती थी, अब तो प्रवासी सलाहकार कहा गया। आदरणीय जगता बाबू, आपको पार्टी के संविधान का आईना दिखाया जा रहा है। राजनीति में पद के लिए जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है, ऐसी दुर्दशा देखी न जाई। राजद का आंतरिक कलह, हम कहते थे प्रवासी तो मिर्ची लगती थी, अब तो प्रवासी सलाहकार कहा गया। आदरणीय जगता बाबू, आपको पार्टी के संविधान का आईना दिखाया जा रहा है। राजनीति में पद के लिए जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है, ऐसी दुर्दशा देखी न जाई। आपने सुना, सीधे तौर पर जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, जिन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हम तो पहले से ही ये कहते आए हैं कि दोनों भाइयों के बीच विवाद है। यहाँ तक कि जगदानंद सिंह को लेकर के भी नीरज ने कह दिया कि अभी तो शुरुआत है, अभी और बुरे दिन जगदानंद सिंह को देखने हैं। आपको बता दें, जगदानंद सिंह पिछले 10 दिनों से पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे थे। उसकी वजह थी जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने खुले मंच से उन्हें हिटलर कह दिया और तमाम सारी बातें जो है वो कही। इसके बाद से नाराज जगदानंद सिंह 10 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे और आज तेजस्वी यादव ने मुलाकात कर उनको मना लिया और विश्वास भी दिलाया कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इसको लेकर के तेज प्रताप यादव भी आज फिर मुखर हो गए। तेज प्रताप यादव के सबसे खास कहे जाने वाले आकाश यादव को जब पदमुक्त किया गया, उसके बाद से तेज प्रताप यादव एक बार फिर से जगदानंद सिंह को लेकर के मुखर हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर ही जगदानंद सिंह के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा और उनके सलाहकार कहे जाने वाले संजय यादव तक पर उंगली उठा दी तेज प्रताप यादव ने। उन्होंने कह दिया कि पार्टी के संविधान के खिलाफ जो है वो काम हुआ है। अब जिस तरीके से पूरे आरजेडी में विवाद चल रहा है, अब बिहार की सियासत क्या कुछ बदलेगी जिस तरीके से आरजेडी में विवाद जो है वो उठा है। लालू परिवार के अंदर जो है दो फाड़ होता दिख रहा है। अब विरोधी इसको किस तरीके से भुनाएंगे और आरजेडी के नेता किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को छुपाकर कहते रहेंगे कि तेज और तेजस्वी जो है वो एकजुट हैं। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।